अमेरिका की खुफिया एजेंसी के दावों के विपरीत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से चीन पर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगाया है। गुरुवार को व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने सबूत देखे हैं जिससे पता चलता है कि वुहान लैब से ही कोरोना वायरस निकला है। उन्होंने कहा कि वायरस का वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी से कनेक्शन है। उन्होंने इस पर विस्तार से कुछ भी बताने की उन्हें इजाजत नहीं है। हालांकि ये जरूर कहा कि अमेरिका चीन पर नए टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। ट्रंप इससे पहले भी कई बार चीन को दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार बता चुके हैं। दूसरी तरफ यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने भी गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस को न इंसानों ने बनाया है और न इसे डिजाइन किया गया है। जाहिर है इसे लेकर अमेरिका में ही विरोधाभास है।